तो हमें शायद ज़्यादा प्राइस भी इसमें मिल सकता है। सर, नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार हो गया है, शाम खेत को भी उसमें शामिल कर लिया गया है, ऐसे में चाय बागान भी अब नगर पालिका के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। 100 दिन का जो रोजगार मिलता है मनरेगा के तहत अभी कर्मचारियों को, ऐसे में आप इसको कैसे संचालित कर पाएंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों को ही मनरेगा का लाभ अभी दिया जा रहा है। प्राधिकरण को लेकर भी लोगों में काफ़ी गुस्सा हो रहा है, NOCs लेनी पड़ रही है कई सारे डिपार्टमेंट से, तो ऐसे में ये सारे इश्यूज देखे जाएंगे। कुल मिलाकर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि जो हमारे लोकल लोग हैं उन्हें रोज़गार मिले। तो जो भी हम स्टेप्स लेंगे, माना अगर नगर पालिका में आ भी गया है तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो देखकर उसकी व्यवस्था की जाएगी। हमें टी एस्टेट चलाना है, हमें फैक्ट्री चलाना है, हमें इसका विस्तार करना सर, है 4 महीने और से लोकल तनख्वाह के लोगों बिना को इसको इसके साथ जोड़ना सर है। 4 महीने से तनख्वाह के बिना कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं जी, और कोष का काफ़ी टोटा रहा है हमेशा, वो उसका उसको जल्दी सुलझाया जाएगा। सर, ग्राम प्रधानों का विरोध हो रहा है नगर पालिका।